नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओडिशा मालकानगिरी जिला टंडापल्ली ग्राम पंचायत की एमवी 16 नंबर गांव में आरंभ किया गया पल्वी पाठशाला कार्यक्रम। इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका श्रीमती साधना मंडल एवं उनके सहयोगी शिक्षक शिक्षिका की प्रचेष्टा से इस प्रकार खुले आसमान के नीचे बच्चों को कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर मास्क को ध्यान में रखते हुए पीपल की पेड़ के नीचे अलग अलग जगह बिठाकर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रधान शिक्षिका साधना कहती है कि इस समय सारा विश्व जहां वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, वहीं विद्यालय भी बंद पड़े हैं, तो बच्चों के भविष्य की चिंता इसको सता रही थी। इसीलिए अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर इस प्रकार कार्यक्रम में पिछले 27 जून से अब तक लगातार जारी रखी हुई है। इस कार्यक्रम से बच्चे अपने पुस्तक के पाठ को भूलेंगे नहीं एवं मन किताबों में लगा रहेगा, पढ़ने में अभ्यास भी जारी रहेगा। प्रधान शिक्षिका महोदय कहती है कि इस कार्यक्रम के लिए इसी ग्राम पंचायत के सरपंच नंद कुमार अजमेरा शिखापल्ली, भाजपा मंडल सभापति सत्य शरण पाल एवं गाँव के बुद्धिजीवी उन्हें सहयोग किया है। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे मालकानगिरी जिला के टंडापल्ली ग्राम पंचायत के एमबी 16 नंबर गांव में। यहां पे आप देख सकते हैं पल्ली पाठशाला कार्यक्रम के नाम से एक अभियान चला रहे हैं। यहां के जो प्रधान शिक्षिका साधना मंडल जी यहां पे मौजूद है, आइए उनका राय लेते हैं। मैडम, जरा आप बताइएगा इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, जरा इस बारे में आपका राय रखिएगा। देखिए, ये कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, वो बच्चों लोग को लर्नर को जो शिक्षण अभिवृद्धि के लिए हमें ये कार्यक्रम किया था बा चालू किया। तो बच्चों लोग जो कोरोना के टाइम घर पर बैठ के वो खेलते हैं कूदते हैं लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बच्चों लोग को वो शिक्षण कार्य अच्छा से चलने के लिए हम खुला आसमान के नीचे बैठ कर, कोई विद्यालय नहीं, कोई गृह नहीं है, हम खुला आसमान के ताले बैठकर वो बच्चे लोग को पढ़ाई किया जाता है। इसी एक ही लक्ष्य है, बच्चों लोग को शिक्षण अभिवृद्धि, उनको लर्निंग इंक्रीज के लिए हमने यही पदक्षेप लिया। हमारा एमबी 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षक शिक्षयित्री मिल के ये योजना किया, तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन लगता है कि जो बच्चे लोग दो साल एक साल 6 महीना तो घूमता है फिरता है लेकिन उनको पढ़ाई के कोई ध्यान नहीं था, तो इधर बैठने से बच्चों को इतना ध्यान आया था, वो 10 बजने से वो बच्चे लोग चला आता है, हमको भी बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है। धन्यवाद साधना जी। तो इन्होंने बताया यहाँ, ये साधना मंडल जी इस विद्यालय के एमबी 16 नंबर गांव के विद्यालय के प्रधान शिक्षिका महोदय है। तो इन्होंने बताया इनके जो जो टीचर एवं शिक्षक शिक्षयित्री है, इनके प्रचेष्टा से गांव के जो है बच्चों के इकट्ठे करके किस प्रकार, जो आप देख सकते हैं, जरा हमारे कैमरामैन दिखाइएगा किस प्रकार जो बच्चे को मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बैठे बच्चे, उधर भी बैठे है, तो यहाँ पे भी बैठे आप देख सकते हैं। तो इनके प्रचेष्टा से प्रधान शिक्षिका जो है साधना मंडल जी, इनके प्रचेष्टा से यहाँ पे जो है बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ पे खुले आसमान के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई छत नहीं है, एक पीपल के पेड़ है, उसके नीचे किस प्रकार जो अध्ययन करवा रहे बच्चे को। मालकानगिरी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।